नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम आपको हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरें बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे आज की सुर्खियों में। गुजरात इलेक्शन की वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है की खबर। डबल मर्डर केस मिस्ट्री खुल चुकी है की खबर। और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे आपके काम की खबर। SBI बैंक ने बदले 1200 ब्रांचेज के IFC कोड की खबर। और बिटकॉइन की कीमत $19,000 की खबर। मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे बिग बॉस में अर्शी खान ने की सलमान खान से बदतमीजी की खबर। और खेलकूद की खबर में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला। और पहली खबर हम लेते हैं गुजरात इलेक्शन की वोटिंग 8 बजे से शुरू हो गई है की खबर। गुजरात इलेक्शन के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 89 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण के लिए हम आपको बताएं कि 14 दिसंबर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर। और अगली खबर आ रही है डबल मर्डर केस मिस्ट्री खुल चुकी है की खबर। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी सोसाइटी 1 और गौर सिटी सोसाइटी 2 है। गौर सिटी सोसाइटी 2 में सौम्य अग्रवाल अपने बेटे और बेटी और पत्नी के साथ रहता था। यह घटना 4 दिसंबर की है। 4 दिसंबर को सौम्य अग्रवाल अपने बिजनेस के सिलसिले में टूर पर गया हुआ था। पुलिस के अनुसार फ्लैट नंबर 1446 को जब खोला गया तो माँ अंजलि और बहन मणिकर्णिका की खून से लथपथ लाश मिली और खून से सना हुआ बेड भी मिला। पुलिस को शक है कि इसी बेड से पीट पीट कर दोनों को मार डाला। घटना के समय 15 वर्षीय बेटा फरार था। पुलिस ने बेटे को बनारस से अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने घटना की पूछताछ बेटे से की तो सबके सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि चौंकाने वाला तथ्य यही था कि बेटे ने ही अपनी माँ और बहन का खून किया है। खून क्यों किया, इसके पीछे पुलिस ने बताया कि बेटा गैंगस्टर इन हाई स्कूल जैसे गेम खेला करता था। बेटे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। बेटे ने पूछताछ में बताया कि माँ उसे मोबाइल और टीवी नहीं देखने देती थी, इस कारण वो माँ से नाराज रहता था। आज हम आपको ये बताएं, आज ग्रेटर नोएडा पुलिस इस बात का पूरा खुलासा करेगी। शनिवार को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता चलेगा कि पूरी स्टोरी बताएगी पुलिस कि ये बेटे ने किस प्रकार खून किया। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर। और अगली खबर आ रही है कारोबार जगत से जुड़ी हुई। और कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं हमारी पहली खबर, SBI बैंक ने बदले 1200 ब्रांचेज के IFC कोड की खबर। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो यह खबर आपके लिए है। SBI बैंक ने 1200 ब्रांचेज के IFC कोड बदल दिए हैं। यह ब्रांचेज चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पटना में है। हम आपको ये बताएं इन ब्रांचेज में वो ब्रांचेज भी शामिल है जो हाल ही में SBI में विलय हुई है। आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर IFC कोड चेक कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर। और अगली खबर आ रही है बिटकॉइन की खबर। बिटकॉइन की कीमत $19,000 की खबर। बिटकॉइन की कीमत $19,000 अर्थात 12 लाख रुपए हो गई है। आप सुनकर चौंक गए होंगे। हम आपको बताएं कि बिटकॉइन बीते 24 घंटों में ही काफ़ी बढ़ गया है। खबर आ रही है कि एक खबर ये भी आ रही है हम आपको बताएं कि बिटकॉइन जब ये रेट इतनी बढ़ चुकी तो अब बिटकॉइन चोरी होने लग गए। खबर यह आई कि 400 करोड़ रुपए के ज़्यादा की जो बिटकॉइन है वो चोरी हो गए हैं। बिटकॉइन एक्सचेंज नाइस हैश ने इस बात की जानकारी दी है। और इस घटना के बाद नाइस हैश ने 24 घंटे के लिए बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो रोक दी है। तो बिटकॉइन जब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों को लालच आ गया और लोग बिटकॉइन को चोरी कर रहे हैं। तो फ्रॉड, चोरी, ये घटनाएँ बिटकॉइन में बढ़ेगी।
अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं बिग बॉस की खबर। बिग बॉस में अर्शी खान ने की सलमान खान से बदतमीजी की खबर। बिग बॉस शो में इस सप्ताह क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिग बॉस शो में इस सप्ताह सलमान खान ने अर्शी खान को डांटा। क्यों डांटा हम आपको बताते हैं। बिग बॉस के घर में शिल्पा शिंदे की मदर आई थी, अर्शी खान ने उनके साथ ढंग से व्यवहार नहीं किया। इस बात से सलमान खान अर्शी खान से नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी में सलमान खान ने अर्शी खान को वीकेंड के वार में डांट लगा दी। अर्शी खान इस बात से नाराज हो गई और अर्शी खान ने सलमान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप हमेशा शिल्पा शिंदे की गलती को नहीं देखते हो। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है खेलकूद की खबर। खेलकूद की खबर में हम आपको बताते हैं आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यह टेस्ट मैच सेडोन पार्क हैमिल्टन में खेला जा रहा है। यह टेस्ट मैच 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं टॉस के बारे में। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 230 रन बना लिए हैं 5 विकेट खोकर और 73 ओवर के अंदर। तो यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।